हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले बाहर अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, उसका स्वरूप बदल गया है। हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो जिन्होंने इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, उनके कहे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, वही जिंदगियां बनाते हैं और वही जिंदगियां बिगाड़ते हैं। देखिए देखिए मैं आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड जब है जो बाहर का है उसमें मालूम नहीं कि कौन कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है उसमें नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण है, लेकिन है ये इतना भी मालूम है कि ऐसा नेक्सस है जो लोगों को अपने बंधन में जकड़ लेता है, अपने दायरे में। और जो भी एक छोटे शहर से जो भी कोई आता है और जब कोई हुनर जो पनपता है तो वो थ्रेटन्ड हो जाते हैं, उनके अंदर जो दायरे में लोग हैं उनको लगता है कि अब हमारा सिंहासन डोल रहा है, इसको या तो खत्म कर दो या इस नेक्सस इस सिंडिकेट में शामिल कर दो। अगर वो जी हजूरी करता रहा, चापलूसी करता रहा, तलवे चाटता रहा तो ठीक है। अगर उसने जिस तरह सुशांत ने, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ, बगावत की होगी या कहा होगा कि मुझे ये नहीं करना है, ये फिल्म नहीं करनी है, इससे नहीं जुड़ना है, उससे नहीं जुड़ना है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वजह हो सकती है उसकी सुसाइड, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है। अभी तो सब जो है वो स्पेकुलेशन के दायरे में। मेरा ये कहना है कि जब लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि जो दिखाई दे रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ है, तो सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। हम चलिए मान लेंगे, आप हमें आश्वासन दिला दीजिए या हमें विश्वास दिला दीजिए कि आत्महत्या है, हमें कौन सा शौक है ये जानने के लिए कि ये हत्या हुई, ये तो कोई नहीं कह रहा है। लेकिन जो तथ्य बाहर निकल के आए उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें, इस खेल में और भी गुत्थी है, कुछ पींच है जिनको सुलझाना चाहिए, कुछ अनसुलझे जो सवाल हैं वो एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हो गए हैं और उसका निदान जरूरी है। दिस केस नीड्स अ क्लोजर, और क्लोजर तभी होगा जब इसकी सीबीआई शेखर सुमन क्या करेंगे एक बिहारी होने के नाते, आवाज उठाएंगे, वही जो कर रहे हैं उसी के तहत तो मैं यहाँ आया हूँ, उसी जगह मुझे कहीं भी जाना हो, कुछ भी कहना हो, रोज जो है एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, एक स्टैंड ले सकते हैं कि हमें ये चाहिए, आप अपनी मांग कैसे मंगवाते हैं, या तो आप आवाज उठाते हैं। नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, मांग करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की मैं उनसे मिल पाऊं, मैंने उन तक संदेशा भी पहुंचाया, लेकिन मुझे ये बताया गया कि कोविड की स्थिति की वजह से वो किसी से नहीं मिल रहे। मेरी इच्छा थी कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये खास तौर पे ये जोर डाला जाए, ये तवज्जो दी जाए कि महाराष्ट्र सरकार पे भी जोर दें और सेंटर पे भी, और बताएं और उन पे जोर डालें कि इसकी एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको क्या, लेकिन अफसोस, नीतीश कुमार ने क्या कहा, मिलना नहीं चाहते।